सत श्री अकाल दोस्तों, सरहद के श्री वेखरे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सचिन गुगलानी एक बार फिर तो पेश होया। कल फाजिलका दे विच भगवा यात्रा कढ़ी गई सी, जिस नूं लैके संत समाज जिहड़े कि लुधियाना तो आए सन, उन्हां दा साधु आश्रम दे विच भरवां स्वागत किया गया। वेखो ये तस्वीरां अते गलबात वी करवाउणे आ उन्हां दा। अज दी जो भगवा यात्रा फाजिलका दे विच निकली जा रही है, जय श्री राम। फाजिलका विखे हिंदू जागरण मंच वालों जिहड़ी भगवा यात्रा अज कटी जा रही है, यह मुख तौर पर तो जिहड़ा साडा समाज है, हिंदू समाज, विखरिया होया समाज, उनू इकट्ठा करना, उनू जगाउणा, धर्म प्रति, राष्ट्र प्रति उहदे विच चेतना लियाउणी, तां उस यात्रा दे विच मैं भी शामिल होया। और साडा संत समाज आ रहा है इत्थे दे, बहुत अच्छे जिहड़े साडे अधिकारी ने और कार्यकर्ता जो ने, मैं कल दा आया होया, मैं उन्हां दी भावना, लगन देख के, दृढ़ता देख के एक खुशी और तसली हुई है कि जिहड़ा साडा राष्ट्र है, धर्म है, उह सुरक्षित हत्थां विच है। ये सारे इत्थे नौजवान जोश और होश वाले साडे जिहड़े बजुर्ग ने, वह भी सारे इस यात्रा नूं लै के मैनू बहुत अज प्रसन्नता हो रही है जी। की लगता है किन्ने लोग इस यात्रा दे विच हिस्सा लैन जा रहे हैं? देखो, यात्रा दे विच हिस्सा लैन दा जिहड़ा भी संख्या, वह तो 8 to 10 हज़ार की रखी गई है। जिहड़े कार्ड वितरण किए गए ने उहदे हिसाब नाल भी मैनू इत्थों दे जिहड़े जिम्मेवार ने उन्होंने ये दस्या हैगा। मेरा थोड़ा जिहा इहदे बारे मत यह है कि लोग भावें थोड़े होण, भीड़ इकट्ठी करन दी लोड़ नहीं हुंदी। जिन्हां लोकां ने समाज बदलिया है वह हमेशा ही थोड़े होंदे ने, क्योंकि तुसीं देखदे हो कि शेरां दे कदे इज्जड़ नहीं हुंदे, इज्जड़ भेड़ां दे हुंदे ने। इह उह व्यक्तित्व ने सारे जिन्हां नूं मैं रात दा मिल रहा है कि जिहड़ा कल्ला कल्ला ही अपने आप दे विच बहुत वड्डी संख्या अपने अंदर समोई बैठा है। फिर भी लोगों नूं की संदेश देना चाहोगे? लोगों नूं मैं जिहड़ा शुरू च दस्या कि इकट्ठे होना, जात पात ये भुल के, जिहड़ा साडे च वर्णा दा प्रचार है कि ये अलग अलग है, इन्हां चीज़ां नूं इस प्रचार तो सुचेत होना लोगों ने। दरअसल इस तरह की गल नहीं है, साडा जिहड़ा भाईचारा है वो सारे नूं इकट्ठे करके और अपने राष्ट्र दे प्रति, और याद रखने वाली गल है कि जे राष्ट्र साडा सुरक्षित है तां धर्म भी, आर्थिकता भी, समाज भी सुरक्षित है। सो इस करके उन्हां नूं इस प्रति जागृत ही करना है, यही संदेश है कि हमेशा जिहड़ा जागदे रहो। तुहाडा नाम की और तुसीं आए कित्थों? हाँ, मेरा नाम स्वामी सूर्य प्रताप है जी। मैं माचीवाड़ा साहब तो आया, ज़िला लुधियाना तो जी। और मैं बड़े लंबे समय तो अपने राष्ट्र लई, धर्म लई कार्य कर रहा। 100 साल पुरानी इस इमारत दे विच बैठे हो, साधु आश्रम दे विच बैठे हो जी, किस तरह ना महसूस कर रहे हो? अज तो 100 साल पहला भी जिहड़ा साधु संत इस धरती ते इस जगह ते आके विराजमान हुंदे सी, आराम फरमांदे सी, तुसीं किस तरह ना महसूस कर रहे? मैं जदों इत्थे अंदर दाखिल होया उदों मैनूं पता नहीं सी कि यह 100 साल पुरानी इमारत है ते इत्थे इन्नी तपस्या होई है। पर अंदर वड़दिया ही जिमें एक होम, एक हवन की एक औरा हुंदा, हर बंदे का भी हुंदा ते हर जगह का भी हुंदा। इस स्थान दे औरे ने मैनू अंदर वड़दिया ही प्रभावित किया, मन नू शांति मिलती है और अपने आप ते माण हुंदा कि मैं उस स्थान ते बैठा जिहड़ा इत्थे 100 साल पहला बहुत वड्डे वड्डे साधु संत इत्थे बैठते रहे, इस आसन ते आउंदे रहे, इत्थे बैठे। उम्मीद कर सकते हैं उन्होंने आशीर्वाद के नाल जी भगवा यात्रा बहुत वधिया सफल हो जाएगी? बिल्कुल पूर्ण सफल होगी, जिथे अजिहे संतों का आशीर्वाद होवे और इस फाजिलका वर्गे, जिहड़ी मैं रात धर्मशाला च ठहरिया वह भी मैं दस्या गया कि 109 साल वह पुरानी है, 100 साल तो उपर यह पुरानी हैगी, और साडा जिहड़ा संगठन है उन्होंने भी 100 साल तो उपर हो गए ने। सो जे 100 साल तक उन्हां दा प्रभाव अज भी बनिया होया, जिहड़े नौजवान ने वो इन्ने उत्साह नाल लगे हुए ने, तां इह यात्रा भी सफल होवेगी ते इस यात्रा दा जिहड़ा मकसद है, उद्देश है, वह भी सफल होवेगा। धन्यवाद।
जी संजीव जी की कहना चाहोगे अज साधु संत जिहड़े ने उस साधु आश्रम तो शुरुआत करन जा रहे ने भगवा यात्रा की जी जय श्री राम जी अज बड़े भगाला दिन है साधु आश्रम वास्ते कि इत्थे जिहड़ी भगवा यात्रा जिहड़ी इतिहासिक यात्रा अज बन रही है उनकी शुरुआत साधु आश्रम तो हुई है सूर्य प्रताप जी जिहड़े संत साडे लुधियाना माछीवाड़ा साहब तो आए ने वो इत्थे रुके ने जलपान करन वास्ते उस तो बाद इत्थे यात्रा शुरू होएगी उन्होंने भी असं आगे दसिया भी 100 साल पुरानी इमारत जिथे पहले संत आते और जिथे सनातन धर्म या हिंदू धर्म या संतान ने आके इतने तपस्या की है उतों का उरा उन्होंने भी अज महसूस किया तो इतों की जी यात्रा निकलेगी वो वाकई अज इतिहासिक बनेगी जिमें 100 साल पुरानी बिल्डिंग दसी जा रही है साधु संतान ने इतने आके तपस्या भी की है तुम किस तरह महसूस करते हो इतने पहुँच के देखो जदों असीं इत्थे जॉइन किया उदों भी साढ़े बजुर्ग इत्थे पहले सेवा करते रहे ने साढ़े भी मने उहदी जिहड़ी इच्छा सी जो भी साढ़ा सी कि जिहड़ा दिल सी उह इहदे जुड़िया ही होया ते हुण जिहड़ा पिछे कुछ दिनों तो असीं इत्थे जो कर रहे हैं या जो चल रहा साधु आश्रम की रौनक नूं बहाल किया जा रहा वो जुड़ रहे हैं जिवें पिछे माता राणी की चुकियां होईयां ने उस तो बाद सानू जो आशीर्वाद मिलने शुरू होने ये अपने आप ही अगे दौर बनता जा रहा है कि कुछ ना कुछ समागम इत्थे हुण जॉइन हो रहे हैं तो लोगों के साधु आश्रम की जिहड़ी आस्था है दोबारा जा रही है तो उम्मीद करते हैं कि ये आशीर्वाद अगर भी बनया रहेगा साधु आश्रम दोबारा पूरा आ रहा पूरा दिन बना के चाहेगा धन्यवाद।